प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपना एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को, सबसे पहले आप रफली सवाल को समझो किस प्रकार से करना है। मान लो एक हिरणों का झुंड है, उसमें कुल हिरणों की संख्या कितनी है, 100 है। अपन ने 100 मान ली, समझ में आ गई ना। अब ये हिरणों के झुंड में 100 संख्या है, यानी इसको एक्स मान लिया अपन ने। हिरणों के झुंड में संख्या कितनी है, एक्स। अब इस एक्स में से आधे हिरण है वो क्या है, खेल कूद कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। तो x का आधा कितना हो जाएगा, x बटा 2। देखो कोई भी संख्या हो उसका अपन आधा करते हैं, तब क्या करते हैं, उसमें 2 का भाग देते हैं। जैसे मान लो आपको छोटी संख्या दी गई है, 40 है, इसका आधा करना है, ये तो आप देखने से बता दो कि 40 का आधा 20 होता है। अगर मान लो इसकी जगह बड़ी संख्या दे दी, जैसे 3, 4, 8, 6, अब इसका आधा करेंगे, इसका आधा अपन देखने से नहीं बता सकते, तो इसके लिए आधा करने का तरीका क्या है, उस संख्या में 2 का भाग दे देना, तब उस संख्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी प्रकार इस सवाल में अपने हिरणों का झुंड में संख्या कितनी मानी है, एक्स, एक्स मानी है, तो एक्स का आधा कितना हो जाएगा, एक्स बटा 2। एक्स का आधा कितना हो जाएगा, एक्स बटा 2। तो ये जो आधे हिरण है वो इस प्रकार से क्या है, मैदान में चल रहे हैं, ठीक है। अब शेष का 3/4, अब देखो कुल अपने कितना माना है, एक्स, उसका आधा क्या है, इस प्रकार से वो हिरण के आधे चल रहे हैं, तो उसमें से पूरे में से आधा निकालेंगे तो क्या बचेगा, यानी एक्स बटा 2 ही बचेगा। अब देखो किस प्रकार से, ये मान लो हिरणों की संख्या एक्स पूरी है, उसका आधा कर लिया, आधा कितना होता है, एक्स बटा 2, तो पूरे में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा। या इसको इस प्रकार से समझो, जैसे मान लो इसके नीचे बटा में संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 और 2 का लघुतम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लघुतम कितना आ जाएगा, 2। तो 2 को x से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 2x, और 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को x से करेंगे -x। अब देखो 2x में से 1x घटाया, कितना बचा, x, नीचे बट्टा में 2 है, यानी x का आधा कितना हो गया, x बटा 2, समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या है, जो शेष बचता है, अब शेष अपने पास क्या बचा है, x बटा 2, तो शेष का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 से गुणा करेंगे। अब देखो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 से गुणा करो, आधे का मतलब क्या होता है, 1/2, 3/4 का मतलब कितना होता है, 3/4, 3/4 का मतलब जिसे अपन पौने बोलते हैं ना, 3/4 का मतलब कितना था, पौन यानी 75 पैसा। तो जितने भी हिरण बच्चे हैं उसका 3/4 भाग क्या है, वो खेल कूद कर रहे हैं, इसका 3/4 निकालेंगे, तो x को 3 से गुणा करेंगे, 3x, 2 को 8 से गुणा करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे, कितने आ गए, 8। यानी ये इतने जो हिरण हैं ये वो क्या है, खेल कूद कर रहे हैं। अब देखो दोबारा से, फिर जो शेष हिरण 9 बचे हैं, सवाल में क्या कर रहा है, फिर शेष हिरण कितने बचे हैं, 9, तो अपने पास यहाँ शेष हिरण कितने बचेंगे, तो x में से ये इतने खेल कूद कर रहे थे, ये घटा देंगे, 3x/8, x/2 -3x/8। अब देखो इन दोनों में से लघुतम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 को x से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 4x, -8 का भाग 8 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 को 3x से गुणा करेंगे, 3x, 4x में से 3x गया, कितना बचा, 1x, 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी जगह अपन ने x लिख दिया, यानी एक्स बटा 8 हिरण वो अपने पास से शेष बच गए। इस प्रकार से ये कह रहा है कि 9 हिरण शेष रहे, 9 हिरण क्या है, शेष रहे, तो हिरणों की संख्या ज्ञात करूंगा। आगे अपन किस प्रकार से करेंगे, अपने पास शेष कितना रहा है, एक्स बटा 8, और कुल कितने हिरण शेष रहे हैं, 9, इनको बराबर लिखे, इस प्रकार से लिख देंगे, फिर एक्स को इस प्रकार से एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या है, गुणा हो जाएंगे, तो 8 9 कितना आ जाएगा, 72, यानी कुल हिरणों की संख्या कितनी आएगी, 72 आएगी। अब देखो अपने को किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले मान लेते हैं
माना माना झुंड में हिरणों की संख्या माना झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, एक्स मान ली। अब जितने हिरण हैं उसका आधा भाग क्या चल रहे हैं, आधा भाग क्या करें चल रहे हैं, तो इसका आधा भाग कितना कितना हो जाएगा, एक्स का आधा भाग कितना हो जाएगा, एक्स बटा दो। आधा भाग कितना हो जाएगा, एक्स बटा दो। तो यहाँ निकलेंगे तो चल रहे हिरणों की संख्या, चल रहे हिरण बराबर कितने हैं, एक्स बटे दो। तो कितने हो जाएंगे टोटल, कितने हैं एक्स, उसमें से उसका आधा यानी एक्स बटा दो चल रहा है, तो शेष कितने बचे, एक्स बटा दो ही बच गए। शेष कितने बचे, एक्स बटा दो। अब देखो शेष का तीन चौथाई भाग क्या है, मैदान में खेल कूद कर रहे हैं। यहां लिखो मैदान में खेल कूद, मैदान में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या, मैदान में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या, तो टोटल कितना था एक्स, उसमें से आधा यानी उसके आधे हिरण क्या चल रहे हैं, तो शेष कितने बचे आधे। अब देखो शेष के तीन बटा चार भाग क्या है, खेल कूद कर रहे हैं, तो शेष कितना बचा था, एक्स बटा दो। इसका अपन तीन बटा चार भाग इस प्रकार से निकाल लेंगे, तो एक्स को तीन से गुणा करेंगे तीन एक्स, चार को दो से गुणा करेंगे आठ, यानी इतने हिरण क्या है मैदान में खेल कूद कर रहे थे। अब अपने पास शेष कितने बचेंगे, इसलिए शेष हिरणों की संख्या कितनी आ जाएगी, आधे कितने थे एक्स बटा दो, उसमें से तीन एक्स बटा आठ हिरण क्या है खेल कूद कर रहे हैं, तो उसमें से आधे में से तीन बटा आठ क्या है घटा देंगे, क्योंकि इसमें सवाल में शेष का बोला है, समझ में आ गई ना, तो इसको घटाएंगे तो इसका लघुतम कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। अब देखो पहले हर दो का आठ में भाग देंगे, कितनी बार गया चार, चार को एक्स से करेंगे चार एक्स, माइनस आठ का आठ में भाग दिया एक बार गया, एक को तीन एक्स से करेंगे तीन एक्स। अब देखो चार एक्स में से तीन एक्स घटाएं कितने बचे एक्स, एक्स बटा आठ हिरण क्या है अपने पास से शेष बचते हैं, और इस प्रकार से कुल नौ हिरण शेष रहते हैं। तो अब यहां लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार अपने पास शेष हिरण कितने बचते हैं एक्स बटा आठ, और इस प्रकार से कुल नौ हिरण क्या है शेष रहते हैं, बराबर लगा के नौ कर दिया। अब मान निकालना अपने वो एक्स का, देखो कोई संख्या उसके नीचे हमेशा एक बट्टा में रहता है। अब देखो इनको तिरछा गुणा कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, या इनको कैंची गुणा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैंची गुणा, जिस प्रकार से कैंची होती है ना उस प्रकार से। तो एक्स को एक से करेंगे क्या आ जाएगा एक्स बराबर, आठ को नौ से करेंगे कितना आ गया आठ नौ में बहत्तर, यानी हिरणों की संख्या कितनी आ गई बहत्तर आ गई। अब देखो इस सवाल को समझो, अपना मान कितना है बेहतर है, ठीक है। अब ये जो बेहतर मान के अपने इस सवाल को करेंगे, फिर देखेंगे कि हिरणों की संख्या नौ शेष रहती है या नहीं रहती, इससे क्या अपने उत्तर की जांच हो जाएगी। अब देखो हिरण अपने पास कितने आए थे बेहतर आए थे, कितने आए थे बेहतर, मैं यहां लिख देता हूं हिरण कितने आए बेहतर। अब देखो सवाल कह रहा है कि उसके आधे हिरण चल रहे थे, तो बेहतर के आधे कितने हो गए छत्तीस, कितने हो गए छत्तीस, यानी छत्तीस हिरण चल रहे थे। उसके बाद में ये शेष बचेंगे, तो शेष अब कितने बचे छत्तीस ही बचे, तो शेष का क्या है तीन बट्टा चार हिरण क्या है मैदान में खेल कूद कर रहे थे, तो अब इसका तीन बट्टा चार निकालेंगे छत्तीस गुणा तीन बट्टा चार, ये देखो इस प्रकार से कट रहा है नौ चौक छत्तीस, नौ को तीन से गुणा किया कितने आ गए सत्ताईस, कहने का मतलब सत्ताईस हिरण क्या है खेल कूद कर रहे थे, तो पहले कितने थे छत्तीस, छत्तीस में से सत्ताईस कटाई कितने बचे
नो, यानी ये सवाल भी कह रहा है कि नो हिरण शेष रहे, अपने भी कितने आ रहे हैं, नो हिरण शेष आ रहे हैं। इसका मतलब अपना आंसर क्या एकदम से सही है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से देखो, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, पहले आप समझ लो। एक तरफ है दादाजी और एक तरफ है पोत्री। अब यह कह रहा है सवाल है, दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 10 गुनी है, पोत्री की आयु से, तो अपने इसको अपने एक्स मान लेंगे, पोत्री की आयु क्या मान ली, एक्स। अब दादाजी की आयु इससे 10 गुनी है तो एक्स का 10 गुना कितना हो जाएगा, 10x। एकदम सिंपल सी बात है, जितना गुना पूछे उतने से ही गुना कर दिया। अगर 5 गुना पूछे तो 5 से गुना, 7 गुना पूछे तो 7 से गुना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद में ये क्या बोलता है, यदि उनकी आयु, उनकी मतलब दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो दादाजी की आयु अपने पास क्या आई थी, 10x, पोत्री की आयु कितनी आई थी, x। ये बोलता है कि उनकी आयु यानी दादाजी की आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो पोत्री की आयु उसमें 54 और जोड़ देंगे तब जाके दादाजी की आयु के बराबर होगी। समझ में आ गए ना। अब देखो इसको किस प्रकार से करते हैं, तो मान लेते हैं, माना पोत्री की आयु, माना पोत्री की आयु बराबर x वर्ष मान लिया अपन ने। अब देखो दादाजी की आयु कितनी, 10 गुनी है, क्या लिखेंगे, इसलिए दादाजी की आयु 10 गुना है, तो यानी 10 से गुना कर देंगे कितनी हो जाएगी, 10x वर्ष। समझ में आ गया। उसके बाद में क्या है कि उनकी आयु किनकी आयु, दादाजी की आयु उसके पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, यहां लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार। अब दादाजी की आयु कितनी है, 10x वर्ष, बराबर पोत्री की आयु कितनी है, x वर्ष। अब दादाजी की आयु है वो इससे 54 वर्ष अधिक है, तो पोत्री की आयु में अपन 54 जोड़ देंगे, वो दादाजी के बराबर है। समझ में आ गया ना। ये इस प्रकार से अपने को एक समीकरण प्राप्त हो गई। अब इसका हल निकाल लेंगे, पक्षांतरण करेंगे, 10x इस साइड में है, इसी में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x है, इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्यों, ये यहाँ कौन से चिन्ह का है, प्लस का है, बराबर ये 54 इसी साइड में है, इसी साइड में रखना अपने को, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब 10x में से x घटाएं कितने बचेंगे, 9x, 9x बराबर 54, मान अपने को x का निकालना है, तो इसलिए x बराबर 54, x के गुणा में जो संख्या है वो नीचे बट्टों में चली जाएगी। अब 54 में 9 का भाग देंगे, 9 × 54, x का मान अपने पास कितना आ गया, 6। अब देखो x किसकी मानी अपन ने, पोत्री की आयु, तो यहाँ आगे लिख देंगे पोत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष, पोत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष। उसके बाद दादाजी की आयु 10 गुनी है, 10 गुनी यानी x का मान कितना है, 6, 6 को 10 से गुणा कर देंगे, 10 × 6 बराबर कितनी आ गई, 60 वर्ष। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, दोनों की आयु अपन ने x, पहले इसकी पोत्री की x मानी है, तो दादाजी कितनी हो गई, 10x। अब x का मान अपने पास कितना आया, 6 आया, यानी पोत्री की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष। अब दादाजी की आयु 10 गुनी है, तो ये सीधी सी बात, 6 का 10 गुना कितना होता है, 60। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ दे रखा है अमन और एक तरफ है उसका पुत्र,
अब ये कह रहा है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो ये तो स्वाभाविक है पुत्र की आयु अपन एक्स मान लेंगे, समझ में आ गया। अब अमन की आयु कितनी है, 3 गुनी, यानी 3 को एक्स से गुणा कर दें कितना आ जाएगा, 3x वर्ष। अब आगे देखो, अब आगे ये सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष पहले अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या थी, 5 गुनी। तो अब देखो, 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु 10 साल कम होगी, और 10 वर्ष पहले अमन की आयु भी क्या है, कम होगी। यानी 10 साल पहले, सपोज करो 10 साल पहले मेरी आयु वो भी 10 वर्ष कम होगी, और आपकी आयु वो भी 10 वर्ष कम होगी। अगर बाद का है, जैसे इस प्रकार आएगी 4 वर्ष बाद, तो आज से 4 वर्ष बाद करेंगे तो मेरी भी 4 वर्ष ज्यादा होगी उम्र, आपकी भी क्या 4 वर्ष ज्यादा होगी। कहने मतलब ये दोनों आयु में से घटेगा या दोनों में से बढ़ेगा। अब इसमें दे रखा है 10 वर्ष पहले, तो हम दोनों को अपन ने क्या कर दिया, 10 से घटा दिया है, समझ में आ गया ना। अब 10 वर्ष पहले अमन की जो आयु है वो कितनी है, उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो पुत्र की आयु को अपन 5 से गुणा कर देंगे। मान लेते हैं, माना अमन के पुत्र की आयु, अमन के पुत्र की आयु बराबर एक्स वर्ष मान लिया, तो अमन की आयु, तो अमन की आयु, अमन की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु एक्स है, उसको 3 से गुणा कर देंगे, वो इसकी 3 गुनी हो जाएगी, समझ में आ गया। अब देखो, इसके बाद की जो स्टेप है वो आप ध्यान से समझो। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो देखो पुत्र की आयु जो आज है 10 वर्ष पहले उससे 10 साल कम ही होगी, इसी प्रकार पिता की या अमन की मान लो आज जो आयु है उससे 10 वर्ष पहले यानी 10 वर्ष कम ही होगी, इसका मतलब ये जो 10 साल है ना ये दोनों में से घटेगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार अमन की आयु कितनी है, 3x, 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 10 बराबर पुत्र की आयु क्या मान रखी है, x, 10 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 हो गया। अब 10 साल पहले अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पुत्र की आयु को 5 से गुणा कर देंगे, तब वो अमन की आयु के बराबर थी, समझ में आ गया ना। तो पुत्र की आयु को अपन किस से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो 5 को x से करेंगे 5x, 5 को 10 से करेंगे 50, इधर में ये क्या है, 3x माइनस 10। अब वही अपने को समीकरण प्राप्त होगी, समझ में आ गए ना। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण को हल कर लेंगे, सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे, तो 3x 5 इधर आते ही माइनस का हो गया, इस साइड में प्लस है ना बराबर की, उस साइड में इस साइड में लाएंगे, चिन्ह चेंज हो गया बराबर। अब देखो -50 इस साइड में है, इसी साइड में अपने को रखना है, तो ये क्या आ जाएगा, -50 वैसा का वैसा ही रख दिया। अब देखो ये -10 है, इसकी अपन जगह बदलेंगे, साइड बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ कितना बचेगा, -50 + 10 यानी -40, और यहाँ कितने बच गए, -2x। अब दोनों साइड में माइनस आपस में कट जाएगा, या ये मान लो प्लस हो जाएगा, एक ही बात है। अब मान अपने किसका निकालना है, एक्स का, तो इसलिए एक्स बराबर 40, अब एक्स गुणा में कितना है, 2, वो 40 के नीचे चला जाएगा, 40 में 2 का भाग दें कितने आएंगे, 20 आएंगे। अब ये 20 मान किसका आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 20 मान अपने एक्स किसका माना था, अमन के पुत्र की आयु, तो अमन के पुत्र की आयु कितनी आ गई, 20 साल आ गई, तो अमन की आयु उससे 3 गुनी है, तो ये अपन देखते आइडिया लगा लेंगे, 20 का 3 गुना कितनी हो जाएगी, 60। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए पुत्र की आयु,
इसलिए पुत्र की आयु बराबर एक्स बराबर 20 वर्ष, अमन की आयु कितनी है, 3x है, तो 3x है तो बराबर 3 गुणा एक्स का मान कितना है 20, ये कितनी आ जाएगी 20 या 60 वर्ष। इस प्रकार से इन सवालों को करना है। अब यहाँ आपको ये जो अपना एक्सरसाइज 2.4 है इसके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गए, मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो ना छात्र छात्रा हो, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, वो भी आप थोड़ा सा उसको भी याद रखना है, यानी उसको भी आपको कम से कम एक बार उसके ऊपर भी टिक टिक करना है। अब देखो फार्मूला क्या है, एल एस और सी, क्या फार्मूला है प्यारे बच्चों, एल एस और सी, इसका मतलब है एल का मतलब लाइक, एस का मतलब शेयर और सी का मतलब कमेंट। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और साथ में कमेंट जरूर जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।